नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक चेक के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलती है आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स, कोई भी मोबाइल या पीसी की टिप्स एंड ट्रिक्स और भी बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए उसके पास वाले बेल आइकन को, ताकि आपको मिले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अपडेट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके दोस्त ने या किसी भी आपके कॉन्टैक्ट ने आपको ब्लॉक कर दिया है गलती से या फिर जानबूझकर, तो आप उससे अनब्लॉक किस तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, मेरे ही फ़ोन में मैंने ड्यूअल ऐप्स इंस्टॉल करके, ड्यूअल व्हाट्सएप इंस्टॉल करके ये आपको बता रहा हूँ कि मैंने जैसे ही वहाँ से मैसेज भेजा, ये डिलीवर हो चुका है मेरे नंबर पर। और अब मैं इसको, इस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे आपको ब्लॉक करके दिखाता हूँ। ये मैंने ब्लॉक कर दिया। अब मैं वापस अपने इनिशियल वाले व्हाट्सएप पे गया, जहाँ से कि मेरी डीपी गायब हो चुकी है, लास्ट सीन गायब हो चुका है। और यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि यहाँ पे अनब्लॉक का बटन आ रहा है, इसका मतलब मैंने ब्लॉक कर रखा है। तो अब आगे पूरी ट्रिक है कि कैसे किस तरीके से इसको अनब्लॉक किया जा सकता है। तो इसके लिए प्ले स्टोर पे दो ऐप्स आपको डाउनलोड, दो में से एक ऐप कोई भी डाउनलोड कीजिए। एक ऐप का नाम है सेकंड लाइन और दूसरी ऐप का नाम है टेक्स्ट नाउ। तो इनमें से कोई भी ऐप आप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद में आगे का प्रोसेस इस वीडियो को एंड तक देखिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से फॉलो करके आप अनब्लॉक हो सकते हैं अपने दोस्त से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने साथी, अपने मित्र, अपने सखा से। तो यहाँ पे मैं डेमो जो देने वाला हूँ वो है सेकंड लाइन ऐप के थ्रू। तो ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी, वी विल कंटिन्यू द प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन का कुछ छोटा सा प्रोसेस होता है, वो हम पूरा करेंगे। कोई भी रैंडम ईमेल आईडी आप इसमें डालिए, उसको ये वेरिफिकेशन नहीं मांगता है, आपको सेकेंड टाइम वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ता। तो कोई भी आप रैंडम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इस वाले ऐप पे। तो दोस्तों याद रखना, इसका नाम है सेकेंड लाइन ऐप। ये अभी करंटली वर्किंग है, कभी कभी टेक्स्ट नाउ वर्क करती है, कभी कभी सेकंड लाइन वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा दोनों वर्क करती है, क्योंकि व्हाट्सएप कभी कभी आपके नंबर्स को ब्लॉक कर देता है जो इंटरनेशनल टेम्प्रेरी नंबर्स होते हैं। यहाँ पे आपको एक एरिया कोड डालना होगा, 680 मैंने डाला है, यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया कोड डाला है। तो इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल मुझे कुछ 6 या 5 फ़ोन नंबर्स दे देंगे यहाँ पे, जो जो इनके पास में होंगे। उनमें से एक को मैं सेलेक्ट कर लूँगा अपने टेम्प्रेरी मोबाइल नंबर के यूज़ में, रूप में यूज़ लेने के लिए। तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है। अब हम उसका शेयर कॉन्टैक्ट, शेयर नंबर करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा उसका नंबर। तो अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है यहाँ पे, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे चाहता है, जो भी एक्सेस चाहता है, उसे बंद कर दीजिए। अब हम अपना नया व्हाट्सएप खोलेंगे या फिर अपना पुराने व्हाट्सएप को ही डिलीट करके वापस अनइंस्टॉल करेंगे और नया अकाउंट बनाएंगे। तो बेसिकली बात ये होने वाली है कि हम एक नया अकाउंट बनाने वाले हैं और यहाँ पे हम वो वाले टेम्प्रेरी नंबर जो अभी हमें सेकंड लाइन ऐप से या टेक्स्ट नाउ ऐप से मिले हैं, उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और एंटर करते ही ये आपको कन्फर्मेशन या फिर वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। तो अब वेरिफिकेशन के रूप में मुझे SMS नहीं, मुझे कॉल चाहिए। तो आई विल बी सेलेक्टिंग कॉल मी नाउ ऑप्शन। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं वापस, ये जब प्रिपेयरिंग है, कॉल का इनका नोटिफिकेशन आने वाला होगा, कॉल आने वाली होगी। तो मैं अपनी सेकंड लाइन ऐप को खोलूँगा और वहाँ पे मैं कॉल का वेट करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास में कॉल आ चुका है। अब इस कॉल को लेके मैं 6 डिजिट का अपना जो OTP, व्हाट्सएप की तरफ से ये कॉल आया है, तो व्हाट्सएप मुझे OTP कॉल पे बता रहा है। तो अब मैंने वो सुना और अपनी जो भी 6 डिजिट का है उसे याद करके अपने व्हाट्सएप को खोला, एंड आई एम गोइंग टू एंटर दिस 6 डिजिट पासवर्ड या फिर वेरिफिकेशन कोड इन माय व्हाट्सएप। और जैसे ही ये होगा, उसके बाद में एक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नेम कोई भी रैंडम सेलेक्ट करना होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे एक DP लगी हुई है। तो वो DP इसलिए थी क्योंकि ये नंबर आपको टेम्प्रेरीली मिलता है और 10 डेज़ के अंदर अंदर आपके ये नंबर कोई और ले जाएगा, ये व्हाट्सएप कोई और ले जाएगा। तो आपको जो भी करना है इन 10 दिनों के अंदर अंदर करना है। इसको एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से यूज़ लीजिए, क्योंकि आपको अगर इसको बुरे काम के लिए यूज़ लेंगे तो व्हाट्सएप आपको ब्लॉक कर देगा और सेकेंड लाइन ऐप भी इसकी वजह से खतरे में आ सकती है। तो अब हमारा अकाउंट रजिस्टर हो चुका है, तो हम एक तीसरी ऐप की तरफ जाएंगे। हम एक बेसिकली एक कॉन्टैक्ट शेयर करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ओपन इन व्हाट्सएप करेंगे हम। यहाँ पे हम जिस कॉन्टैक्ट ने हमको ब्लॉक किया है, ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पे जिस कॉन्टैक्ट ने हमें ब्लॉक किया है उसका नंबर यहाँ पे हमको डालना है। तो मैंने उसका नंबर डाला है, अपने ही जो फ़ोन में मुझे ब्लॉक किया है उसका नंबर मैंने डाला है।
और उसके बाद में ओपन इन व्हाट्सएप करेंगे, तो जो आपका बिजनेस व्हाट्सएप या जो भी आपका सेकेंड जो डुअल ऐप वाला व्हाट्सएप है उसकी तरफ से आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और वहाँ पे आप इसको नए कॉन्टैक्ट को हाय भेजेंगे। जैसे ही आपने हाय भेजा तो उसकी स्क्रीन पे जो मेरे डुअल व्हाट्सएप मैंने इंस्टॉल कर रखा है जहाँ से मैंने ब्लॉक किया था वहाँ पे मेरे नए नंबर आ चुके हैं, और उस विंडो में जाके मैं चेक करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको भी बता देता हूँ, जिससे मैंने ब्लॉक किया था उस अपने मेन नंबर को, यहाँ पे एक रैंडम स्ट्रेंजर का नंबर आता है मेरे पास में, तो देखते ही तो मैं ब्लॉक नहीं करने वाला हूँ इसको, ठीक है। तो मैं मेरी जिज्ञासा होगी, मेरी क्यूरियोसिटी होगी कि मैं जानूं कि ये कौन है। तो अब मैं यहाँ पे वापस इसको हाय लिखता है, अगला इंसान जो भी आपको जिसने भी आपको ब्लॉक किया है वो आपको हाय लिखेगा या फिर रिप्लाई करेगा। उसके बाद में आपके ऊपर है सारा दारोमदार कि किस तरीके से आप द बॉल को अपने कोर्ट में ले सकते हैं। तो आप अपना जो भी सिंपैथेटिक फेस है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे एक बड़ा टेक्स्ट या छोटा टेक्स्ट लिख के क्लियर कीजिए। उसके बाद में आप अपने आप व्हाट्सएप पे अपने मेन नंबर पे बोलिए कि आप वहाँ पे अनब्लॉक कर दें, या फिर आपको अगर एक दो अटेम्प्ट्स और चाहिए तो 10 दिन बाद में इसी ऐप के साथ में आप नए नंबर के साथ में ट्राई कीजिए। लेकिन अगर इंसान नहीं चाहता आपसे बात करना तो उसे पीछे पड़ने से कोई मतलब नहीं है। सो इट इज़ नॉट एडवाइज्ड टू लाइक इरिटेट मत करना किसी को, ओके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जैसे ही मैं इसका नया पार्ट बनाऊंगा, ये इसका अगर ये पुराना हो जाता है, इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी वो पुरानी हो गई, उस पर लोग हेट कमेंट्स करते हैं, तो ये हेट कमेंट्स से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो ऐसा कमेंट कीजिए कि मैं भैया आप और बनाइए तो हम और भी बना सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप के कुछ बग्स होते हैं जो ये फिक्स कर लेते हैं, उसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता। जो बग्स आते हैं उसका हम फ़ायदा उठाते हैं, नुकसान होता है जो भी होता है हम उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, और वो विद टाइम नए अपडेट्स में वो बग्स सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर वो वर्क नहीं कर रही है आपके लिए तो आपको उल्टे पुल्टे कमेंट्स करके कोई फ़ायदा होना नहीं है। क्रिएटर्स का काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अगर वो वर्क नहीं कर रही है तो आपका काम है कि आप वापस कमेंट सेक्शन में उनको बताएं कि ये काम नहीं कर रहा है और प्लीज़ नया वीडियो बनाइए। तो जैसे कि ज़रूरत महसूस होती है हम नया वीडियो बनाते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट्स या टिप्स एंड ट्रिक्स हो वो हम आपके साथ में शेयर करें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही शेयर हो, ओके फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए, जब तक कि हम नया वीडियो लाते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।